जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो है आर्मी जीडी ट्रेडमेंट टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, तो सारे ही ट्रेडों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब आप देखिए। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिए, सारे ही क्वेश्चन आपके बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप पूरा वीडियो देखेगी। और दोस्तों, अगर आप कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो पहले कॉपी और पेन ले लें। तो जो भी बीच में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें आप नोट करिए, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे तो आप सबसे पहले नोट कीजिए, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप पहले एक दो करके लिख दीजिए। तो जो भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपसे उसमें सही, और जो भी गलत हो रहा है उसमें गलत का निशान लगा लीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपको कितनी तैयारी और करने की ज़रूरत है। और दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये है सबसे पहला क्वेश्चन। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी कराइए। तो इंग्लिश में भी यहाँ पे क्वेश्चन है, और ऑप्शन भी इंग्लिश में भी आपके हैं, और क्वेश्चन हिंदी में भी, जो हिंदी लैंग्वेज वाले हैं उनके लिए भी है। ऑप्शन हिंदी में भी हैं और इंग्लिश दोनों में है। तो जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में आप देख लीजिए, और हिंदी वाले हिंदी में देखें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1500 ईस्वी, 1600, या फिर 1608, या फिर 1800। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है 1600 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है, तो ये कहाँ पर है? चीन में, या अमेरिका, भूटान, या फिर भारत? तो विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है, तो ये भारत में है। भारत में है, पटेल जी की है ये, और ये आपके अहमदाबाद गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये भारत में स्थित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी। ये विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी मूर्ति क्या कौन सी है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आपके ऑप्शन में होगा, उसे आप सही निशान कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए अब, कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब घोषित की गई? तो पहले जो भारत की राजधानी थी वो कोलकाता थी, फिर जो है वो दिल्ली कर दिया गया, तो ये कब किया गया, किस वर्ष? तो ऑप्शन है 1911, 1926, 1923, या फिर 1940। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही आंसर है, 1911 में जो है कोलकाता से दिल्ली राजधानी की गई। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो हाउ मैनी बैंक्स वेयर, तो हम ऑप्शन दिए हैं आपके 5, 14, 20, या फिर 10। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है।
तो ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही आंसर है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। अब क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। अगर 14 को यहाँ पे कर दिया, 1969 को यहाँ पे कर दिया, तो 1969 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से कब हटाई गई थी। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, धारा 370 जम्मू कश्मीर से कब हटाई गई थी। तो ऑप्शन दिए हैं आपके 10 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019 या फिर 5 अगस्त 2019। तो धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी 5 अगस्त 2019 को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था, तो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन दिए हैं ध्रुव, सिद्धार्थ, अप्सरा या फिर कामिनी। तो कामिनी, अप्सरा, सिद्धार्थ या फिर ध्रुव। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इससे पहले अगर आपने पहले से मौजूद वीडियो को नहीं देखा है तो आप जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए और सारे ही वीडियो आप देख सकते हैं। सारे ही वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेडमैन, टेक्निकल या फिर नर्सिंग असिस्टेंट। आप क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया था, तो ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर जिनका भी ऑप्शन बी है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, पंजाब। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया ऑप्शन बी, पंजाब आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन होता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। एक तो आपके 352 और जो राज्यों में लगता है वो 356, और एक और आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है तो वो वित्तीय आपातकाल 360 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन है कोलंबो, काठमांडू, नई दिल्ली या फिर यूएसए। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है काठमांडू। काठमांडू आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो सभी नौजवान बताइए कि काठमांडू किसकी राजधानी है। तो काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों खेल से एक नए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ऑप्शन है 3, 5, 11 या फिर 8। तो इसका सही आंसर है 5, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका सही आंसर है 5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान द्वारा भारत में पुलवामा हमला कब किया गया था।
तो क्वेश्चन है, पाकिस्तान द्वारा भारत में पुलवामा हमला कब किया गया था? तो ऑप्शन दिए हैं 15 फरवरी 2019, 10 फरवरी 2019, या फिर 10 फरवरी 2018, या 14 फरवरी 2019। तो पाकिस्तान द्वारा भारत में पुलवामा हमला कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है 14 फरवरी 2019। तो 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान द्वारा भारत में पुलवामा हमला किया गया। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। तो जिन लोगों ने भी सारे क्वेश्चन किए हैं, सारे क्वेश्चन उनके सही हैं, तो वो नौजवान हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।